हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रानी शर्मा किचन। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप सभी के साथ भिंडी दो प्याजा की रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। भिंडी की सब्जी तो आप बहुत तरीके से बनाकर खाए होंगे, इस बार इस तरह से बनाकर देखें प्याज वाली भिंडी की, आपको बहुत ही पसंद आएगी, ये आपकी फेवरेट बन जाएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें चटपटे मज़ेदार लाजवाब झटपट भिंडी की रेसिपी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो पूरा वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम भिंडी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने छोटे छोटे आकार में भिंडी ले लिए हैं और ये प्याज के टुकड़े काट के ले लिए हैं बड़े बड़े टुकड़े में, और थोड़ी सी कैप्सिकम और एक टमाटर काट लिए हैं, और ये हम छोटे छोटे टुकड़े में दो टमाटर काट लिए हैं और ये दो प्याज छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तो आज हम बनाएंगे प्याज वाली भिंडी की रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। दो से तीन चम्मच के लगभग तेल डाले हैं हम। अब हम इसमें भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ये हमने छोटी वाली भिंडी ली है, एकदम ताजा ताजा भिंडी। अब हम इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। ये एक टिप्स, अगर आपको जब भी लंबे समय तक भिंडी को रखना तो इसे अच्छे से धोकर पोंछकर और तेल लगाकर रख देंगे तो ये लंबे समय तक ताजा रहती है भिंडी। भिंडी खाना सबको पसंद है, एक बार इस तरह से बनाइएगा आपको बहुत ही पसंद आएगी, और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए ये हल्का फ्राई हो चुकी है भिंडी, अब हम इसे निकाल लेंगे, इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से इसमें एक चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। अब हम इसे बड़े साइज वाले प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। देखिए प्याज भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे, इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से दो चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। अब हम इसमें हाफ टीस्पून के लगभग जीरा डालेंगे। अब हम दो कटोरी हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें गोटा गरम मसाला डालेंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी। अब हम एक कटी हुई प्याज डाल देंगे इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को। अब हम इसमें चार पांच दाना मेथी की डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। देखिए प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, वन टी स्पून ये किचन किंग मसाला है, ये घर में ही हमने बनाया है, इसे भी डाल देंगे। आप इसे आगे वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। टी स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। हम इसमें ये कटी हुई टमाटर डाल देंगे। अब हम दो चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सारे मसाले को। अब हम इसमें एक चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी कलर आ जाती है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। देखिए हम इसमें भिंडी और प्याज का फ्राई किया वाला डाल दिए हैं, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और ये हाजमा के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें एक चम्मच के लगभग कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम ये कटी हुई टमाटर और एक कैप्सिकम को भी इसमें डाल देंगे।
देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिला लिए। अब हम फिर से इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भिंडी में मिल जाए। देखिए अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे, देखिए कितनी सुंदर भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। ये आप झटपट टिफिन में भी बच्चों को तैयार करके, तो बच्चों को ऐसी भी भिंडी बहुत पसंद आती है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून के लगभग गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। देखिए प्याज वाली भिंडी की रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, अगर ये ज्यादा पकेगी तो ये पूरा भिंडी टूट जाएगी। इसे आप परौठा, नान, चावल सबके साथ बहुत ही अच्छी लगती है इसकी सब्जी। तो देखिए फ्रेंड, भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। झटपट बनने वाली भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।